नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आप सबके बीच में हाजिर हूं मैं, आपका पसंदीदा शो लेकर हंसते हंसते जीना सीखो। इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन चट्टा देवी एक माता रानी होती हैं, और उसके बाद में तुरंता देवी, ये भी एक माता रानी है। दुरदुरिया, तमाम ऐसे ऐसे पूजा हैं, ऐसी ऐसी परंपराएं हैं जिनको निभाती हैं महिलाएँ। अब माताएँ गई हैं, घर से निकल गई हैं, और घर के जो चाचा हैं या घर के और सदस्य हों, इंतजार कर रहे हैं, बही हैं। अच्छा, वहाँ पहले क्या होगा? वो सब पूरा 4-7-8 महिलाएं होती हैं, वहाँ पूजा होगा। अच्छा, महिलाएं 2-3 महिलाएं ऐसी होती हैं जो पहले पहुँच जाती हैं, वो पहले पहुँच जाएंगी, बहुत जल्दी जाएंगी। वो इसी बात का इंतजार करती हैं कि कोई हम कहा दुर्दुरिया का है तो हम जाए, यही बहाने थे घर से निकल पाई। अब वो गई बैठी, अब वो हालचाल करे लगी। अब जिनको और अभी आना है, सबसे पहले उन्हें बुराई, क्या कहा अरे दादा नहा कही, उनका नहा कही देखो एक बजिया हुए। हाँ बहनी, हमका बताए होती तू फलाने दुल्हन कहे हो तो हम ना आई, हम आई वही ना करी दादा, देखो कई बजे तक आवाएं। अब किसी तरह एक आई, फिर दो आई, फिर तीन आई, और उनको बुलाने जाना पड़ता है। इतना व्यस्त हैं, इतना व्यस्त दुनिया में कोई नहीं है, उनको बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम से उठी नहीं है। और अगर उठी भी है तो पहले, सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, अपनी बिटिया को फोन मिलाया है, बच्ची क्या हालचाल करके, जैसे कुछ बिगड़ गया था अभी बनने वाला है, ठीक है। बिटिया के पूरी शिकायत, सास कहा कि हिस रहा, आज दामाद के बात बोले रहा, ससुर का ही बना दिया ना, उनका ना ही पसंद आवा रहा, बिटिया के पूरा हालचाल अम्मा लेहिन, इसलिए उनका देर हो गया वह माँ। अब वो कोनों में नहा धो के आई हैं, घर का जिनके यहाँ ये अनुष्ठान है वो 4-5 बार जाएंगे बुलाने। अब बुला कर लाए हैं, चाची चलो, ए चाची चाची, हाँ आई थे बच्चा, चलो बच्चे तुरंत ही आई थे, तनी भर भाई काम में बाजी रहे, जलता है उठो तो बहुत काम रहा था, कोनों में रही। अब आए जो पहले बैठी है उनका देखते भुनभुनाए लगी, ये हवती दादा, अरे कहे नहीं दे, मैंने हम 4 साड़ी बदला थी, 4 साड़ी बदला थी, इनका नहीं देखा थी, कस जुल्फी कटाया है, कस मचल मचल चला थी, और जब नज़दीक गई है तो उनके मुंह पर न कही है, बहुत देर कह दी हो, बताओ तुहरे नंतजार मातरे दिया था, बैठी रही दिन हम सब है, आओ जल्दी आई जाती तो छुट्टी पाई जाए, चली जाए। देखो तो वो भी भरी बैठी है, क्योंकि ये उनको जल रही है तो वो भी तो उनको देख के जल रही है। देखो वैसे तुमका सबका कोनो काम तो है नहीं, हमका तमाम काम रहा था, हाँ अब तू सब निठल्ली हो, कोनो काम है नहीं, तो अपन तुरंत का कि उठी नहाय डारी नहाय चली आई, हमका 72 काम रहा था, अतरा जिम्मेदारी रहा थी, अतरा बड़ा घर द्वार कुल बहारो पोछा लगाऊ तमाम काम। अब ये सब हुआ, पूजा अनुष्ठान शुरू हुआ, पूजा हो गया, और जिनके जिनके घर की महिलाएं आई हैं सबके घर के पुरुष चाय के लिए बैठे हैं। अगर जिनके घर बहुरिया है तो इनको तो मिल जाएगा, जिनके नहीं उनके का हाल होगा? तो बार बार अपने दरवाजे से निकल कर या घर से निकल कर झाँकते हैं, इससे आ रही है कि नहीं आ रही है अभी उनका पता नहीं। किसी तरह अनुष्ठान होगा, किस्सा कहानी के बाद में फिर ये होगा, चलने चलाने का नंबर आएगा, तब तक जिनके यहाँ अनुष्ठान हो कहेंगे अरे अब ऐसे चली जाइयो ना, ही नहीं लागत है, जब तक तुम्हार गति ना हो जाए, जब तक तू काट ना डारी जाओ घरे, जब तक पीठ ना डारी जाओ तब तक ना जाओ, रुको तो चाय पी लेती, हाँ तनि भर अरे रोज कहाँ होता है हमारे हैं, अब आज इतने दिन पर आई हो बिना चाय पिए जा ना दिए। अब पता चला चाय चढ़ाई गई, चाय चल रही है, चाय पे चर्चा भी चल रही है। उसके बाद जब उठने का मन हुआ औरतों का, तब एक काम और बचा है जो सबसे जरूरी काम होता है, हे तो हमारे बाथरूम हुआ देख लेती हूँ, अब की तो जो टाइल लगवाए ना बहनी तोरे सबके आशीर्वाद से, हाँ अरे शीशा झलका था, चलो दिखाई थे ऊपरा वाला देखो। अब पता चला उनका आधा घंटा घर दिखाने में लग गया। अब यहाँ के जो पुरुष हैं घर के, जिनकी जिनकी घर की महिलाएं हैं, तो भरे बैठा एकदम भरा बैठा है कि कतरा जल्दी आ जाए, आज इनके कचूमर निकाल ली चाहे जमन में। अब वो एक कोनो मेर के जैसे आई और आए के जैसे घर के सामने, बात सही, वाह वाह दुर्दुरिया छबाई गई रहा कि कहाँ गई रहा, आए कहाँ गई रहा, अरे कुछ हमरे मुँह पे है, कहाँ रही, वाह खूब चोचमा चोच लड़ा आए हो, कौन दुर्दुरिया चबात रहे होता टाइम लग गया, यह देखो। और अच्छा रास्ते में ही बोलना शुरू करेगा पुरुष, यह देखो यह मेरे जात हैं, यह तोरे आगे लाके चलो घर बोली लियो, यह तोरे शर्म लहे आज नहीं है दादा, यह तोरे नकुने नहीं है, हम मेरे जात हो तू,
अभी अभी पूजा करके आई, पूजा करके आई है, भाव देखो, यह देखो, यह तोरे आग लागी नाच के देखो, तू कहूँ चली जाई जैसा है तैसे तोरे आग लाग जाती, यह देखो भूया। चलो 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 घरे चलो, कुछ बनाऊ और काम है। चलो अब वो वहाँ भर के आई हम चाय बनाएंगी, आप बताइए वो चाय बनाएंगी। अब एक घंटा लड़ाई होगा, हम इसमें बर्बाद हो रहे हैं, हमारे पास समय बहुत है, हम काम करना चाहें तो कर लें, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा समय झगड़े में नोकझोंक में अपना समय इसमें गंवा रहे हैं। हमारे वीडियो से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमको रोक लगाना चाहिए, जिन पर हमको समझने की ज़रूरत है कि हमको जीना कैसे है, हमको रहना कैसे है। इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर लाइट कट जाए गलती से, लाइट कट गई, एक बार कट गई, देखो कितने लोग एक ही बात को कहेंगे, गए गए भैया गए, ए तोरे हो गए हो, तोरे हो गए गए भैया, अरे पावर हाउस वाले का दहू पकड़े मर नहीं जाते हैं भैया, पता नहीं कहा बहुत काटा था हो। गांव के एक और चाचा, आशा है भैया बिजली बिल जमा ना करी हो तो काट तब दे बैठ करी है, काट तब दे बैठ करी है, हाँ लाइट सबका चाहिए, पंखा का गया सभी बैठा चाहा था लेकिन रुपया जमा कराए सबके छाती फाटा थी, हाँ काहे कोई जमा कराए। बिजली संविदा पे जितने भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं बेचारे यहाँ न रहते हुए भी इतनी गाली सुनते हैं, अगर कहीं गलती से भी लाइन फॉल्ट है, अगर सिट डाउन लेकर के अगर वो चाहते हैं कि लाइए हम ये लाइन जोड़ दें, उसके बाद में 10-15 मिनट के लिए अगर लाइट कट जाती है तो गाँव का हर बुजुर्ग हर महिला उनको गाली देती है, अनाप शनाप कहती है, भला बुरा कहती है, जबकि हमारे आपके लिए भैया वो खंभव चढ़ा था, हमारे आपके लिए वो तार छुआ था, हमसे सबसे कह दिया हम लोग कतरा बिजली डरा था, छोड़ो छोड़ो करंट लाग जाएगी करंट लाग जाएगी, अरे उनको भी डर है लेकिन अपनी ज़िंदगी दांव लगाए के वो लोग रहा था। थोड़ी देर सब्र करो, हम लोगों की आदत बिगड़ गए, हम आसक्त तो हो गए ना, कोई हमारा आदत पड़ गया है पंखा का गे रहा है, एक समय रहा जब पंखा नहीं रहा खाली बेना रहा, हाथ से ऐसे बेना लेके और पूरा दोपहरिया काट डालते रहे, पेड़ के नीचे बैठ के काट डालते रहे, महिलाएं के गमन आवत रहा, पसीने से भीग जात रही, और वह बैसाख माँ जेठ बैसाख के महीना माँ चैत के महीना माँ गौना आवत रहा। अब पता चला कि खड़ी क्या गर्मी अब हो रही, तब नहीं थी, तब भी थी गर्मी, तब भी थी लेकिन तब पर्यावरण बहुत अच्छा रहा, लोग पेड़ लगावत रहे, अब लगावत रहे काटत हैं, ये सब चीज़ है, आप पेड़ लगावाना चाहिए, और चाहिए कि तापमान बहुत सही रहे, अगर चाहा तो 30-35 के तापमान ना है, 25-30 के तापमान ना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावे कोशिश करो। हम आए दिन देखे थे, आपको देखत हुई हो, भाई भाई में अगर बंटवारा हो तो सबसे पहले पेड़ का बंटवारा होता है, वह फलाने बगिया का 400 शीशई ला गया ऐसा है, वो कटाई लियो जल्दी जल्दी, बड़ा भाई कटाई ली, छोटका भाई कटाई ली, ऐसे ऐसे कटावत कटावत तब बगिया खत्म हो जाए, तब पेड़ लगावे प्रयास नहीं की निगाह, पेड़ का काट के बेचे प्रयास की निगाह है, अपने आसपास के लोगों का जागरूक करे प्रयास किया जाए। अब की बार जैसे बारिश शुरू हुए सभे पेड़ लगाओ, ये लिए आप सबसे अपील है, आप सबसे निवेदन, खूब ध्यान दियो, खूब बढ़िया रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।